हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंचन शिप्रा। हम लोग अब तक क्लास 6 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसी सीरीज़ को आगे करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने कंप्लीट कर दिया। इंट्रोडक्शन आपको नंबर सिस्टम और 1, 2, 3 मैंने कंप्लीट करा है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है। राइट द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या करना है हमें इस वाले क्वेश्चन में? कुछ नहीं, बस हमें देखना है क्या वैल्यू किस प्लेस पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये वंस पे है, ये टेंस पे है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है, और ये आपकी 10,000 पे है। ठीक, तो इस वाले नंबर में किसी भी सीरीज़ में कुछ भी मिसिंग नहीं है। वंस के पास टेंस है, 100 है, 1000, 10,000 है, बीच में कोई भी आपकी प्लेस वैल्यू मिसिंग नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 की पहले मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 60,000 हो गया, प्लस 2,000, प्लस 500, प्लस 80, प्लस 4। ठीक है, इसमें कोई कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो हम बस सारे नंबर्स को हमें लिख देना है इस तरीके से। 62,584 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। ठीक है, और सबका प्लेस वैल्यू भी लिखी हुई मैंने, कौन सी प्लेस पे, वंस पे, टेंस पे, 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे, लाख पे। इसमें भी किसी नंबर का कोई भी स्किप नहीं करा हुआ है ना, किसी भी प्लेस का। तो हम सिंपल सा इसमें कुछ नहीं करना है, हमें मल्टीप्लाई बस कर देनी है। हमें 5 प्लस 1, 2, 3, 4 प्लस। ठीक है, ये हमने कर दिया और इसको हमने लिख दिया पूरा, क्योंकि किसी नंबर के मिसिंग नहीं है, इसलिए हमें ज़ीरो कोई भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्वेश्चन को लिखा और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्या हो गया ये आपका? 5,81,623, 5,81,623। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए, इस वाले स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में कुछ भी मिसिंग, कोई प्लेस मिसिंग नहीं था। अब इस वाले में क्या हो रहा है? वंस है, वंस के बाद 100 आया है, तो यहाँ टेंस मिसिंग हो गया है। 100 के बाद 1000 है, कोई प्लेस मिसिंग नहीं है। 1000 के बाद 10,000 मिसिंग है यहाँ पर। फिर क्या है? लैक्स है, लैक्स के बाद फिर क्या आ गया आपका? 1,000,000 यहाँ मिसिंग हो गया, और यहाँ पर आया करोड़। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं हम लोग। करोड़ है, 7, 1, 2, 3, 3, 6 इन 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 2 करोड़ हो गए, 5 लैक्स हो गई, 50 हो गई है, 7,000 हो गई, प्लस 900 प्लस 5। ठीक है, अब इसको हमें ऐड करना है। एक सिंपल ऐड हम क्या कर सकते थे उसमें ऐड करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन में, कि हम क्या इसको हम पहले पूरा लिख लें, फिर ये 5 लैक्स, फिर आपका 7,000, और उसको प्लस कर दें। तो लेकिन ये बिल्कुल ही बहुत टाइम टेकिंग होता है मेथड, इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हम इजीली इसको कर लेते हैं। अब क्या है यहाँ पे? 2 करोड़, तो 2 करोड़ हो गया। फिर क्या है? 5 लैक्स, 5 लैक्स हो गया, फिर 7,900, फिर 5। ठीक, अब कौन कौन से प्लेस मिसिंग थे हमारे? एक 10 लैक वाला, एक 10,000 वाला, एक आपका टेंस वाला। अब टेंस मिसिंग है, 0 लगा दिया, 10,000 मिसिंग है, 0 लगा दिया, 10,000,000 मिसिंग है, 0 लगा दिया। जितने प्लेस मिसिंग होते जाएंगे उतने ही हम 0 उसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? 2 करोड़, 5 लैक्स, 7,905 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है ये। ठीक, तो ये हमें प्लेस देखना है कौन से, वंस, फिर आपका क्या हो गया? वंस के बाद टेंस मिसिंग हो गया, 100, फिर 1000, फिर आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स। ठीक, तो यहाँ पे 1000 के बाद 10,000 मिसिंग हो गया, फिर अब क्या है? लैक्स के बाद क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक, 10,000,000, 10,000,000। तो यहाँ पे कोई प्लेस मिसिंग नहीं है, सिर्फ एक ये और ये, टेंस और 10,000। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं। सिक्स थाउजेंड
प्लस 500 प्लस 7, ठीक सेम वैसे ही करना है। लाख के बाद 10 लाख है तो हमें ये 34 लाख्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक प्लेस मिसिंग है तो यहाँ पे मिसिंग प्लेस पे 0 आ जाएगा, फिर क्या है 6000, तो 6 फिर 507, 5 एक प्लेस यहाँ का टेंस का मिसिंग था तो टेंस के प्लेस पे उस प्लेस पे 0 आ जाएगा, फिर 7। ये हमारा आंसर हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4th हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट ए का नंबर सिस्टम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9s इन दिस डिजिट्स। तो उसने क्या कहा आपको, एक ये आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है उसमें डिफरेंस पूछा है कि इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9s। तो 9s का 9 कहाँ पे आपका, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 7 9 5 2 0 9 8 6, ठीक है। तो ये आपका उसने आपका पूछा है 9 का डिफरेंस इस वाले और इस वाले। तो क्या करना है, पहले तो हमें क्या करना होगा, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एट कौन से प्लेस पे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख कौन से प्लेस पे हुआ, 9 एट 10 लाख्स प्लेस, ठीक है। तो ये क्या 10 लाख्स प्लेस पे ये है तो क्या हो गया आपका 90 लाख्स, ठीक ठीक है। तो अभी से हम 90 लाख्स को लिख ले रहे हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, ठीक। अब उसने क्या पूछा आपसे, सेकंड 9 की वैल्यू पूछ रहा है आपका प्लेस वैल्यू। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एट कौन से प्लेस पे, 1, 10, 100, 100 प्लेस, ठीक। तो अब इस पे क्या है, ये क्या है हमारा 9 हंड्रेड्स, ठीक है, RDS, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा 900। अब उसने आपसे डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस के लिए हमें दोनों डिजिट्स लिख लेनी है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख्स हो गई है आपकी, ठीक है। और क्या डिफरेंस पूछा उसने, तो 900 हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल ले रहे हैं, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ करना नहीं है हमें कुछ भी, जो 10 में से 9 है 1, फिर ये हो गया आपका 9 9 9 और 8, ठीक। क्या है हमारा 89 लाख 99,100, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फर्स्ट ए का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस डिजिट, ठीक है। उसने आपसे डिफरेंस पूछा है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, ठीक। अब प्लेस वैल्यू कैसे करना है हमें ये तो पता ही है हमें, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 किस डिजिट में, 2, 7, 6, 5, 0, 9, 3, 4। अब कौन से प्लेस पे, देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख कौन से प्लेस पे, लैक्स। तो ये 10 लैक्स वाले प्लेस पे, तो ये क्या है हमारी 70 लैक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, पहले इसको हम लिख ले रहे हैं 70 लैक्स हो गई है हमारी, ठीक। अब उसने क्या कहा आपसे, फेस वैल्यू, तो क्या होगा द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन सेम डिजिट 2, 7, 6, 5, 0, 9, 3, 4। अब फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू तो आपको पता है क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू वो नंबर होता है जो लिखा होता है उस प्लेस पे। तो इस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है हमारा 7। अब वो आपसे उसने आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था। तो क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड
डिफरेंस डिजिट लिख दे रहे हैं हम 2765, सॉरी डिजिट हो जाएगी हमारी 70 लैक्स। ठीक है, इसमें से हमें 7 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक, तो हमारी डिजिट क्या हो जाएगी, ये आपके 3999999 और 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 6999993, 69,99,993, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है का, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, एक्सरसाइज फर्स्ट है का, हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल। ठीक है, उसने आपसे पूछा है हाउ मैनी, कितने 6 डिजिट्स नंबर हैं सब संख्याओं में, तो आपको क्या करना है, क्या हो जाएगा हमारा द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 99999 हो गई है 6 डिजिट हमारी। ठीक, अब ऐसे ही अब आपसे उसने क्या हाउ मैनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद हम लार्जेस्ट लिखा है तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ठीक ये हमारी हो गई स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये तो आपको इतनी, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ठीक, अब हमें क्या करना है, जब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसमें टोटल नंबर्स ऑफ 6 डिजिट, ठीक है, नंबर्स, टोटल नंबर्स निकालना है हमें, तो हम पहले हमने ये लिख लिया आपका 6 डिजिट। ठीक, फिर दोनों का दूसरा स्मॉलेस्ट वाला जो है ये नंबर, इसको लिख दिया हमने, ठीक है, और इस नंबर में हमने +1 कर दिया। ठीक, दोनों के बीच का हमने डिफरेंस निकाला और उसमें +1 एक नंबर को ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या हुआ, 89999। ठीक है, अब इसमें +1, तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक, तो ये क्या बना हमारा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, ये क्या हो गया 9। चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, 9 लैक्स। ठीक, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैक्स, ये आंसर हो गया हमारा 9 लैक्स। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है, तो वो क्वेश्चन नंबर 8 मैं नहीं कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।